और अपने अखलाक ठीक, अपने गुस्से को पीना सीखो, गीबत से बचो, बोहतान से बचो, दिल आजारी से बचो। घर वाले हो अपनी बीवियों से, माँ बाप से हुस्न सलूक करो। इकट्ठे रहते हो तो माँ बाप के ज्यादती से बीवी को बचाओ और बीवी की ज्यादती से माँ बाप को बचाओ। अलग रहते हो, अच्छी बात है, अपने बीवी से हुस्न सलूक, अपने बच्चों से हुस्न सलूक। शिद्दत और सख्ती हर चीज़ को ख़राब कर देती, नरमी और मोहब्बत बिगड़ी चीज़ को संवार देती। चुप रहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, माफ़ करना सीखो, तुम्हारा सीना खुल जाएगा। फुज़ैल बिन अय्यास फरमाते हैं, फुज़ैल बिन, मैं फासिक और फाजर के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, बद अखलाक के साथ नहीं गुजार सकता। फासिक और फाजर के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, बद अखलाक के साथ नहीं गुजार सकता। हज़रत अनस फरमाते हैं, थोड़ी इबादत अच्छे अखलाक हों तो जन्नत के आली दर्जात में कोई रुकावट नहीं है, बड़ी इबादत और बुरे अखलाक हों तो जहन्नम से कोई रुकावट नहीं है। बुरे अखलाक के साथ कसरत इबादत भी होगी तो जहन्नम में जाएगा, और आली अखलाक के साथ किल्लत इबादत भी होगी तो जन्नत के आली मकाम तय करेगा। तो अपनी ज़बान पे काबू पाना सीखो, इससे गाली, इससे गीबत, इससे झूठ, इससे बोहतान, इससे शिद्दत कबूल, इससे तंज, इससे ताना सहना सीखो। हर चीज़ का जो बनना है वो बर्दाश्त करने के साथ, हत्या कि जिस्मानी सेहत भी बर्दाश्त से बनते, वज़न उठाते हैं तो मसल्स बर्दाश्त करते 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 उभरने लगते हैं। ऐसी जब आप लोगों के मनफी रवैये बर्दाश्त करोगे ना, तो आपके जो सेहत है ना ईमानी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी।